नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। धर्मनगरी में होगा हवा में चलने का एहसास, धनुष बाण के आकार वाला यूपी का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज तैयार। रामलला के सूर्य तिलक का ट्रायल सफल, तीसरी मंजिल पर सिस्टम लेंस और पीतल के पाइप से पहुंची किरणें। चुनावी धनतेरस में नेताओं वाली गाड़ियों ने तोड़े बिक्री के रिकॉर्ड, जनवरी से मार्च के बीच इतनी कारें बिकी। यमुना एक्सप्रेसवे पर क्यों सैकड़ों लोग गवा रहे हैं जान, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने किया खुलासा। माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यार्थी करेंगे साइबर सुरक्षा की पढ़ाई, जारी किए गए निर्देश। मायबूथ ऐप देश भर में हो सकता है लागू, बरेली के डीएम ने चुनाव आयोग को भेजी थीम। 6 साल की आयु पूरी होने पर ही कक्षा 1 में प्रवेश, सख्ती से होगा नियम का पालन। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज चित्रकूट में तुलसी जलप्रपात में बनकर तैयार हो गया है। कोदंड वन स्थित प्रपात पर 3.70 करोड़ रुपए से भगवान राम के धनुष और बाण के आकार का ब्रिज बनाया गया है। पर्यटकों के लिए ये ब्रिज लोकसभा चुनाव के बाद खोला जाएगा। आने वाले समय में ये सबसे खूबसूरत इको टूरिज्म केंद्र बनेगा। यहाँ पर रॉक व हर्बल गार्डन के साथ रेस्टोरेंट भी बनाए जा रहे हैं। स्काई वॉक ब्रिज तैयार होने में लगभग 1.5 साल का समय लगा है। धनुष और बाण के आकार में बने ब्रिज में जलप्रपात की ओर बाण की लंबाई 30 मीटर है, 12 मीटर तक वुडन टाइल्स और फिर आगे 36 mm मोटा टफन ग्लास लगा हुआ है। दोनों पिलर के बीच धनुष की चौड़ाई 35 मीटर है। पुल की भार क्षमता प्रति वर्ग मीटर में 500 किलो है। लेते हैं आज की दूसरी खबर। रामनवमी के अवसर पर होने वाले रामलला के सूर्य तिलक का ट्रायल सफल हो गया है। अब राम जन्मोत्सव के दिन दोपहर ठीक 12 बजे रामलला का सूर्य अभिषेक किया जाएगा। बता दें कि कुछ दिन पहले ही सूर्य तिलक के लिए वैज्ञानिकों ने उपकरण गर्भगृह के ठीक ऊपर तीसरी मंजिल पर लगाए थे। राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के सूर्य तिलक का सफल ट्रायल किया गया। दर्पण के जरिए भगवान के मस्तक पर सूर्य की किरणें डाली गई हैं। बता दें कि IIT रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये सिस्टम बनाया है। ये सूर्य के पथ बदलने के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें 1 रिफ्लेक्टर, 2 दर्पण, 3 लेंस, पीतल पाइप से किरणें मस्तक तक पहुंचाई गई हैं। लेते हैं आज की तीसरी खबर। चुनाव का सीजन वाहन कंपनियों के लिए धनतेरस से कम नहीं है। इस चुनावी सहालग में गाड़ियों की बिक्री ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कुछ खास सेगमेंट की गाड़ियां धुआंधार बिक रही हैं, या यूं कहें कि नेताओं की पसंदीदा SUV गाड़ियां इन 3 महीनों में सबसे ज्यादा बिकी हैं। प्रदेश में जनवरी से मार्च के बीच SUV सेगमेंट की 3 बड़ी कंपनियों ने कुल 42,406 वाहन बेचे हैं। इसमें नेताओं के पसंदीदा वाहनों की हिस्सेदारी 40% से ज्यादा है। यानी इन 3 महीनों में करीब 17,000 गाड़ियां राजनीति में दखल रखने वाले शख्सियतों ने खरीदी है। सियासी दुनिया में SUV वाहनों का अलग ही रुतबा होने से पार्षद, ग्राम प्रधान से लेकर सांसद और मंत्री तक के लिए आधिकारिक और गैर आधिकारिक दोनों ही वाहनों में SUV की धाक है। लेते हैं आज की चौथी खबर। यमुना एक्सप्रेसवे का सफर घातक होता जा रहा है। 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे पर होने वाले सड़क हादसों का मुख्य कारण वाहन चालकों को झपकी आना और ओवर स्पीड यानी तेज गति है। इस बात का खुलासा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर वर्ष 2012 से वर्ष 2023 तक 7,625 हादसे हुए, जिसमें झपकी लगने के कारण हुए 3,364 और ओवर स्पीड के कारण 1,304 हादसे थे। इस अवधि में सभी हादसों में 1,320 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 522 लोगों की मौत झपकी आने से हुई है और 201 लोगों की मौत ओवर स्पीड के कारण हुई है। लेते हैं आज की पांचवी खबर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में साइबर सुरक्षा की पढ़ाई होगी। विद्यार्थियों को योग, विज्ञान आदि के साथ ही इंटरनेट और साइबर सुरक्षा की जानकारी दी जाएगी। बता दें कि नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षण संस्थानों में कौशल व आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। मोबाइल फोन व इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने से साइबर अपराध का खतरा भी बढ़ गया है। स्कूलों में स्मार्ट क्लास व ICT लैब की स्थापना की गई है। इसका बेहतर प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। इसी क्रम में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए रेमेडियल क्लासेस होंगी। विभिन्न शैक्षणिक सामग्री, बिग बुक्स, पिक्चर स्टोरी कार्ड, पोस्टर, लाइब्रेरी की किताबों, TLM, मैथ्स किट, शैक्षणिक वीडियो का प्रयोग पढ़ाई में किया जाए, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। लेते हैं आज की अगली खबर। बरेली के जिला निर्वाचन अधिकारी ने मायबूथ ऐप की थीम चुनाव आयोग को भेजी है। परीक्षण के बाद इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है। NIC बरेली की टीम की ओर से विकसित किया गया ये ऐप बूथों पर कब कितने मतदाता मौजूद है इसकी जानकारी देगा। बूथ की लोकेशन, संबंधित BLO का मोबाइल नंबर, बूथ तक पहुँचने में लगने वाले समय सहित अन्य उपयोगी जानकारियाँ भी मिलेंगी।
इससे लोगों को ज्यादा देर तक कतार में नहीं लगना पड़ेगा, मतदान भी जल्दी हो सकेगा। इससे मत प्रतिशत में भी बढ़ोतरी होने के आसार हैं। लेते हैं आज की सातवीं और आखिरी खबर। उत्तर प्रदेश में परिषदीय सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा एक में दाखिला बच्चे की आयु 6 वर्ष होने पर ही मिलेगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस बार इस नियम के सख्ती से पालन होने की बात कही है। 6 साल से कम आयु के बच्चे का नामांकन बाल वाटिका में कराया जाएगा। वहीं नामांकन के समय बच्चे का आधार नंबर ना होने पर उनके अभिभावक का आधार नंबर दर्ज किया जाएगा। यदि माता पिता का आधार नहीं बना है तो नामांकन के 2 सप्ताह के अंदर इसे बनवाना होगा। इसके साथ ही परिवार का राशन कार्ड नंबर और उसकी श्रेणी भी दर्ज की जाएगी। नए सत्र में कक्षा 6 से 14 साल के हर बच्चे का स्कूल में नामांकन कराकर निःशुल्क शिक्षा देने के लिए अभियान चलाया जाएगा। और अब लगे हाथ एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अन्य अहम खबरों पर। HDFC लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक बन गया है। ये शाखा लक्षद्वीप के कावारती द्वीप में खोली गई है। भारतीय फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के लिए चुना गया है। WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 में वायरल हेपेटाइटिस से होने वाली मौतों की संख्या 2019 के 1.1 मिलियन से बढ़कर 2022 में 1.3 मिलियन हो गई है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में स्थित टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में तितली की नई प्रजाति नेप्टिस फिलायरा की खोज की गई है। ब्रिटिश मैराथन धावक अफ्रीका में सबसे लंबे समय तक दौड़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।